गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है भाई। सभी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग अजय, शिवम वेरी वेरी गुड इवनिंग, अर्जुन जी गुड इवनिंग सभी को। क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर हो रही है? आवाज जा रही है? जल्दी बताइए, सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए। आज हम ट्रांसलेशन की मतलब एकदम न्यू से स्टार्ट करेंगे, घबराना नहीं। और न्यू भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सभी को बुलाते हैं, आज के बाद आप किसी भी हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए ना कंप्लीटली सक्षम रहोगे मेरे भाई। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाओ, सभी लोग जुड़ जाओ, मैं बुला रहा हूँ और सभी को। जल्दी जुड़ जाओ भाई, सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। शोभना गुड इवनिंग, प्रद्युमन गुड इवनिंग, आदित्य हेलो, शिवांगी गुड इवनिंग। भैया जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाओ, क्योंकि बहुत ही मजेदार होने वाला है ये सेशन, है ना? तो रहोगे तभी मजा आएगा, क्योंकि फिर मैंने कल भी बोला था अगर छूट गया तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी तुम्हारी। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज के बाद ना। यू नो यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस, ठीक है, टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो सभी लोग जुड़ जाओ मेरे भाई, तब हम चीजें स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? जल्दी से आ जाओ सभी लोग। आज बड़ा मजा आने वाला है जी, क्योंकि ना ये मेरा इंटरेस्टिंग सेशन होगा, क्योंकि ना ट्रांसलेशन बड़ा मजा आता है करने में। तो घबराना नहीं, बड़े दिल से बताऊंगा, बस समझने का प्रयास करना। आज इतना अच्छा ट्रिक बताऊंगा ना कि बड़े से बड़ा सेंटेंस, चाहे वो कितना हो बड़ा सेंटेंस हो, आई प्रॉमिस यू, आई एश्योर यू दैट यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट दैट हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश विद इन सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर आप कर लोगे, हाँ, लेकिन थोड़ी सी उसके लिए ना पागलपंती होनी जरूरी है, ठीक है? उसके तह तक जाने के लिए थोड़ा सा पागल बनना पड़ेगा। लोग थोड़ा अंड का बंड बोलेंगे, इधर का उधर बोलेंगे कि अंग्रेज गए, ये नहीं को छोड़ के गए। इस केस को जिसने इग्नोर करना नहीं सीखा वो आगे नहीं बढ़ेगा, इस चीज को याद रख लो। रास्ते में बहुत सारी रुकावटें मिलेंगी। गुड इवनिंग आदित्य, चलिए आ जाइए आप लोग। आज का ये पहला सेशन स्टार्ट होगा भाई, इस चीज को ध्यान में रखना। चलिए अब हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। बहुत हुआ इंतजार, जैसा कि आप देख रहे हो, ये केवल आपको दिखाने के लिए ही नहीं, आज आपको बताया गया है कि आप क्या क्या कर सकते हो, कितना हो बड़ा ट्रांसलेशन करने के लिए एक सेंटेंस आए, आप चूकोगे नहीं उसे करने के लिए। और इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको जब कहीं अच्छे पोस्ट पे जाओगे। अगर आप ना राजभाषा अधिकारी के लिए तैयारी करते हो या हिंदी अनुवादक के लिए तैयारी करते हो ना, तो बड़ा इसका हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है? चलिए थोड़ा सा कुछ पेज ले लिया करते हैं। इसमें कुछ ब्लैंक पेज दे दीजिए हमें। चलो भैया एक सीधी सी बात करते हैं ट्रांसलेशन की। इसकी बात हो गई ट्रांसलेशन, ठीक है? मतलब आज हम करेंगे कोई भी हिंदी सेंटेंस का कंप्लीटली पोस्टमार्टम, वो भी बड़े आसान तरीके से। एक छोटा सा उदाहरण लेके चल रहा हूं, ठीक है? सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सब कुछ ठीक है? चलो
ध्यान से देखना जो बताने जा रहा हूं। आपको अभी तक पता है कि अंग्रेजी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर जो सामान्य है वो क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट इन समझा रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करना। हमने बोला राजू ईट्स अ मैंगो, ठीक है, राजू ईट्स अ मैंगो। ये देखो भाई, बहुत बेसिक से एकदम जीरो टू हीरो बनाऊंगा, एकदम फ्रॉम बॉटम टू टॉप ले जाऊंगा, तुरंत चीजें समझ में आएंगी, बस समझना। ये देखो भैया सब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या रहा, सॉरी, सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, है ना? बातें समझ में आई? अब हमें बस ये ध्यान देना होगा कि जब हम इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका वर्ब बीच में होता है, अंत में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और मैंने आपको ग्रामर के थ्रू बता दिया कि किसी भी सेंटेंस का अगर हमें सब्जेक्ट पता करना हो तो क्या करते हैं, एक बार फिर से बता के चल रहे ताकि कोई छूटे ना, कोई साथी रह ना जाए पीछे, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट का अगर हमें पता करना हो डियर, तो याद रखना उसके वर्ब के पहले हु या फिर केवल हु, ब्रैकेट में कह सकते हो इसे कौन, ठीक है, या फिर किसने, इसे दो रूप में कह सकते हैं, या फिर किसने, किसने, ठीक है। Who eats mango? कौन आम खाता है? जो भी इसका आंसर मिलेगा ना, जो भी इसका आंसर मिलेगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो जरा खुद से ही बोलो ना कि who eats mango, बोलो बोलो कौन, राजू। तो राजू हमारा क्या हो गया, राजू हमारा हो गया भैया सब्जेक्ट, ठीक है। कक्षा 6, 7, 8 से हम पढ़ते आ रहे हैं एक चीज, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ठीक है ना। ये एक सेंटेंस के पार्ट को डिवाइड करते हैं ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से, कर्ता और मीन्स जिसे हम बोलते हैं ना विधेय, उद्देश्य और विधेय। सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य और विधेय का मतलब बचा हुआ पार्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद का सारा पार्ट क्या होता है हमारा, प्रेडिकेट होता है, उसमें वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, सब कुछ आता है। बस याद दिला रहा हूं, घबराना मत कि सर तो शुरू हो गए पुराना सब चीज, वही बता, राम जाता है, मैं स्कूल से आता हूं, मैं खाना खाता हूं, ये सारी चीजें, ऐसा नहीं। नो, आज के बाद यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट न्यूज़पेपर एज वेल, न्यूज़पेपर को भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो। बस जो चीजें बता रहा हूँ उस चीज को ध्यान से समझना। इतना समझ में आया ना कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमें सब्जेक्ट का पता करना हो तो उस सेंटेंस के वर्ब के पहले हु लगा के प्रश्न करेंगे, जो आंसर मिलेगा मेरे भाई मेरे साथी वो क्या होगा, वो होगा सब्जेक्ट। मैटर क्लियर यहां तक सभी को? गुड इवनिंग फिर से भाई, आ जाओ, अब ध्यान दो थोड़ा सा जो बता रहा हूं, ठीक है, बातें बातें होती रहेंगी। इतना क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें एक सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की, आई आई टॉक्ड टू रवि, आई टॉक्ड टू रवि, आई टॉक्ड टू रवि, ठीक है। अब देखो भैया, मैंने पूछा कि हु टॉक्ड टू रवि, रवि से किसने बात किया, आंसर क्या आता है, आंसर आया आई, यानी हो गया हमारा क्या, ये हो गया सब्जेक्ट। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट को पता करने की। हमने बोला कि इसी, जब हमें ऑब्जेक्ट का पता करना होगा तो याद रखना उसी वर्ब के पहले या तो व्हाट या तो हुम, यानी क्या, किसे या फिर किससे,
सब कुछ हिंदी बताते चलूंगा, एकदम मत घबराना। ट्रांसलेशन का मतलब मैं एक एक अक्षर बताऊंगा आपको, इसके बाद देखोगे ना यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस। कोई भी बुक उठाना, पेपर उठाना, ट्रांसलेट करना शुरू हो जाना। ध्यान से देखो, अगर किसी भी वाक्य के, इंग्लिश वाक्य के ऑब्जेक्ट का अगर हमें पता करना हो मेरे भाई, तो उस वर्ब के पहले या तो व्हाट से प्रश्न करेंगे या तो होम से, दोनों में से किसी भी एक का आंसर जो मिलेगा, जो वर्ड होगा वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, आई टॉक्ड टू होम, मिला ना। मैंने किससे बात की, किससे बात की, राजू से भैया बात की। मैंने किससे बात की, राजू से की। क्लियर है, मैटर समझ में आ रहा है। अब इसके बाद ध्यान से समझना कि ऑब्जेक्ट, मैंने कल भी बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम निर्जीव बोलते हैं और इनडायरेक्ट सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। इतना चीजें ध्यान से समझना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, थोड़ा सा करो तब मजा आएगा, ठीक है। गुड इवनिंग रितु, अमित गुड इवनिंग, सब लोग आओ एक सेंटेंस करके देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, पहला सेंटेंस, मैं स्कूल जाता हूं। जरा इसका ट्रांसलेट करो, घबराओ मत, करते चलो, एक एक स्टेप बढ़ो, उसके बाद देखो कितना मजा आएगा। हरी अप, जल्दी करो, देखते हैं कौन करता है इसका। मैं स्कूल जाता हूं, अभी तो ये ट्रेलर है मेरे भाई, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। थोड़ा सा ना आप में आत्मविश्वास ले आ रहा हूं, जो तुम भूल चुके हो, तुम्हारे अंदर के हनुमान को जगा रहा हूं, क्योंकि अब समय आ गया लंका पार करने का, SSC को खत्म करने का। जल्दी बताओ इसका, चलो भाई आदित्य बात करना चाहते हो, बाद में बात कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बात कर लेंगे, बाद में तुम्हें बता दूंगा, या अगर कोचिंग के स्टूडेंट हो तो ग्रुप से नंबर निकाल के बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जल्दी से यहां बताओ, मैं स्कूल जाता हूं, देखते हैं कौन जल्दी से बताता है। इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत मत करो। शिवांगी ने बताया आई एम गोइंग टू स्कूल, और कोई भाई, लेडीज इसीलिए हमेशा फर्स्ट होती हैं, क्योंकि वो जोखिम उठाने से डरती नहीं है भाई। अदिति ने भी दे दिया कि आई एम गोइंग टू स्कूल, चलो भैया हमने लिख दिया आई एम गोइंग टू स्कूल। और किसी का आया I am going to school. IG निधि ने बताया IG, I go to school. हरेंद्र सर ने बताया I go to school. भाई जब आपने सर ही लगा लिया तो गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है मेरे बच्चे। ध्यान से समझो मेरे भाई, मेरे साथी, कम से कम हिंदी में ध्यान दो कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनेट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट इनडेफिनेट होता है, और प्रेजेंट इनडेफिनेट में हम ING का प्रयोग नहीं करते हैं। तो भाई आदित्य आई एम गोस टू स्कूल, चलो बहुत बढ़िया, घबराना मत, गलती हो रही है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से बताया कि आपके अंदर छिपी कौन सी ऐसी बीमारी है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो एकदम मत शर्माना कि तुम्हारा गलत हो रहा है, क्योंकि मैं बताने आ गया हूं, तो सुधार लेना, आज के बाद गलती मत करना। तो जब प्रेजेंट इनडेफिनेट का, भाई दो बार टेंस हम पढ़े हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S oblique ES प्लस ऑब्जेक्ट,
फिर से एक बार आप पढ़ रहे हो टेंस, ध्यान से दिमाग में बैठाए रखना, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस या यस। हम जब हमने बताया था कि जब हम वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो वर्ब क्या बन जाता है, वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। और इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जब हमारे कर्ता केवल एक हो। तो भैया मैं, ये तो सिंगुलर में आता नहीं है, एक्सेप्शनल है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम केवल और केवल V1 प्रयोग करते हैं। यानी आई हो जाएगा, आई V1 गो टू स्कूल, गो टू स्कूल क्या हो जाएगा? आई गो टू स्कूल, आई गोस टू स्कूल नहीं दी प्रतिभा, आई एम गो टू स्कूल नहीं। सोचो भाई, बहुत सोचने वाली बात है। हमने एक सिंपल सा, अभी हम लोग करने में गड़बड़ हो जा रही है हम लोगों से, और हम चाहते हैं कि एसएससी का हम पैसेज तुरंत हल करके आए। हम बोलते हैं क्लास में, सर सब ये छोड़िए, पैसेज पढ़ाइए। जरा सोचो हम कहाँ हैं अभी उस इंग्लिश की दुनिया में, कहाँ हैं अभी? दूर दूर तक हम दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन घबराना मत, दिखाई नहीं देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। इट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑल, बस आप रोज मेरे साथ लगे रहो, घबराना मत। देखो प्रतिभा ने फिर से अपना इम्प्रूव किया, आई गो टू स्कूल, चलो वेरी गुड। अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, जरा देखते हैं। चलो भैया, मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा छोटा भाई मुझे जानता है, तुम्हारा छोटा भाई मुझे जानता है, ठीक है? एकदम घबराना मत, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढो, फिर ऑब्जेक्ट मिल जाए तो ऑब्जेक्ट ढूंढो। अभी सब कुछ क्लियर कर दूंगा, बस घबराना नहीं, एक बार बना के देखो। तुम्हारा छोटा भाई मुझे जानता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढो, सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। एक सेकंड में करके दिखाओ जल्दी। कोई बात नहीं आनंद, डोंट वरी, परेशान मत हो, नर्वस ना हो यार, मैं हूं ना, योर यंगर ब्रदर नोज मी। आनंद ने बताया, योर यंगर ब्रदर, ठीक है, नो मतलब नोज मी, आन से समझो, क्या ये सही है या गलत, इसको भी चेक करते हैं। अब हमें पूछते हैं कि कौन मुझे जानता है, कौन मुझे जानता है? तुम्हारा छोटा भाई, मतलब ये तीनों शब्द मिलकर क्या हो गए? हमारे सब्जेक्ट हो गए। कहां से कहां तक? ये यहां से सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट इससे भी बड़ा होता है, मैं आपको ले चलूंगा उस दुनिया में, सब्जेक्ट इससे भी बड़ा होता है। अब सब्जेक्ट के बाद देख लो भैया, ये हमने रखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब देखा कि अब बच्चे बताए क्या करेंगे, योर को देखें यहाँ पे बहुवचन नो रख देंगे, नहीं, हम आपके छोटे भाई की बात कर रहे हैं ना कि आपकी बात, और जो कि क्या है, सिंगुलर है, भाई है, तो जब भाई होगा तो इसमें एस या ई एस ऐड कर देंगे। इसके बाद बचा किसे जानता है, ऑब्जेक्ट किसे जानता है, मुझे जानता है, यानी इसकी इंग्लिश में ही हो जाती है, एकदम सिंपल सा। क्लियर है इतना मैटर सभी को? योर स्मॉल ब्रदर, स्मॉल ब्रदर नहीं कहा जा सकता, लिटिल ब्रदर कह सकते हो, या आपके पास है वर्ड्स यंगर ब्रदर, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, थोड़ा सा घबराना मत, अभी आपको बस वार्म अप कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं आपके दिमाग को, कि बस इसके बाद जहां लिखू आंसर दे दो। मैंने बोला मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं भाई, फिर भी अब एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता उसमें, व्हाट कैन आई डू, होता है ना, मैं पढ़ता तो हूं,
जरा आप आगे बढ़ो। हरिन जी वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। और लोग चलो पहले देखो कहां गड़बड़ी हो रही है, किसी क्या देख के अपना सेंटेंस मत बदलना। गलत आ रहा है गलत करो, जो समझ में आ रहा है वही करो, जल्दी करो। आई एम रीड, इन्हें बोला आई एम रीड। और कोई भाई जल्दी से इसका ट्रांसलेट करो, थोड़ा देखता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सारी चीजें, बड़ा मजा आएगा। इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बता के चलूंगा, घबराना नहीं। आई एम डू रीड, निधि ने बोला आई एम डू रीड। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गया। हाँ भाई चलिए, जब हम ना ध्यान से समझना इस तरह की सेंटेंस को बोलते हैं एम्फेसाइज्ड सेंटेंस, जोर दे के बोलना, किसी के महत्व को बढ़ाना। मैं पढ़ता तो हूं, अब नहीं आता नंबर तो मैं क्या करूं भाई। अक्सर लोग बोलते हैं ना अपने बच्चों को, चिल्ड्रंस को, क्या यार तुम क्या करते हो, इतना अच्छा तुम्हें मैं खर्च किया सब। बच्चा बोलता है वाकई वो पढ़ता है, बोलता है ना पापा मैं पढ़ता तो हूँ, मार्क्स नहीं आ पाते हैं तो मैं क्या करूं। मतलब वो एम्फेसिस कर रहा है, तो उस केस में सब्जेक्ट प्लस उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर थिंग्स आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो ये पढ़ता, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर है, यानी इसका जो हमारा हेल्पिंग वर्ब या तो क्या डज या तो डू, देखते हैं सब्जेक्ट आई, तो आई के संग क्या लगता है डू, आई डू रीड, बस आई डू रीड, ये नहीं कि रीड्स, नहीं आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूं। मैं बोल दूं अगर वह मुझसे बात करता तो है, वह मुझसे बात करता तो है, बस आपको याद दिला रहा हूं, जल्दी बनाओ। वह मुझसे बात करता तो है, ठीक है प्रतिभा, क्लियर हो रहा है तुम्हें भी, अब समझ में आ रहा है। मेहताब आई एम डू रही, आई डू रीड। टेंस देखो, जिस टेंस का है उसका केवल हेल्पिंग वर्ब लगाओ, मजा आएगा। जल्दी करो इसका बताओ, आज अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा अभी। और अभी तो समझ लो ये ट्रेलर है, बस याद दिला रहा हूं आपको। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया भाई। किसने बनाया जरा देख लें हम भी। निधि ने बना दिया ही डज टॉक टू मी, ही डज टॉक टू मी। आदित्य ने बनाया ही डज टॉक टू मी। शिवांगी ने बताया ही डज टॉक टू मी। यानी सबको मैटर क्लियर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब कुछ भी करो, मैं जाता तो हूं अगर मैं बोल दूंगा, यानी वह मुझसे बात करता तो है, इसका मतलब ही डज टॉक टू मी, खत्म। दिखने में बड़ा अजीब सा लगता है, ही डज टॉक टू मी, वह मुझे बात करता तो है। अगर मैं अगला सेंटेंस बोल दूं आपको, थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे ले चलता हूं। अगर मैं बोल दूं मेरा भाई मुझे, देखो कितनी तेज समझ में आएगा, पढ़ाता तो है, मेरा भाई मुझे पढ़ाता तो है, जल्दी से विद इन अ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड आंसर दो। आदित्य सरताज में पढ़ा रहा हूं कि पढ़ रहे हो, पढ़ा रहा हूं, अच्छा पढ़ा हूं सर, वेरी गुड, कोई बात नहीं, चलो और चीजें अभी समझ में आएंगी। मेरा भाई मुझे पढ़ाता तो है, हरी अप जल्दी बताओ, मेरा भाई मुझे पढ़ाता तो है।
माई ब्रो डू रीड मी, थोड़ी सी मिस्टेक, माई ब्रो डज टीच मी, वेरी गुड हरेंद्र, शिवांगी ने बताया माई ब्रो टीच टू मी, नहीं थोड़ी सी चीजें देखो, वर्ब भूल गई शिवांगी, वर्ब भूल गई थोड़ा सा, फिर से चलो देखो ध्यान से, इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं, कौन है, मेरा भाई सब्जेक्ट, ठीक है, ये देखो पढ़ाता तो है, ठीक है, वर्ब हो गया, ठीक है, ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट हो गया, तो भैया हम सब्जेक्ट उठाते हैं, हमने बोला माई ब्रो, ठीक है, ब्रो का मतलब ब्रदर, और ये सिंगुलर है, नहीं समझ में आ रहा पूरा लिख लो, माई ब्रदर, अभी एक सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हम क्या लगाएंगे, डज, माई ब्रदर डज टीच मी, टू मी नहीं, टीच मी, जब वर्ब के बाद, सुनो, जब वर्ब के तुरंत बाद आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सजीव ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना, तो बीच में टू का प्रयोग मत करना, ठीक है, अगर ये होता कि मेरा भाई मुझे मैथ पढ़ाता तो है, ठीक है, तब लिख सकते हो टीच मैथ टू मी, उस समय सही है, लेकिन अगर लिखोगे टीच मी मैथ तब भी सही है। तो मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट निर्जीव हो और उसे पहले लिखना है, सजीव को बाद में लिखना है, तब उन दोनों के बीच में क्या चाहिए, टू प्रेपोजिशन चाहिए। क्लियर है ब्रो डज टीच मी। चलो भैया अगला देख लेते हैं, अब की बात पहुंचेंगे वहां पे। हाँ तुम्हारी बड़ी बहन, भोजन ही तो पकाती है, तुम्हारी बड़ी बहन भोजन ही तो पकाती है, जल्दी बनाओ जरा, तुम्हारी बड़ी बहन भोजन ही तो पकाती है, कौन सा तीर मार लेती है, होते हैं ना, जल्दी बताओ, योर एल्डर सिस्टर। हरेंद्र जी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जस्ट ट्राई टू प्लेस द वर्ड ऑन अ राइट प्लेस, आदित्य ने लिखा योर एल्डर सिस्टर टू कुक द फूड, अब जरा आदित्य यहाँ ध्यान से देखना, हम सिस्टर की बात करें, सिस्टर एक वचन है या बहुवचन है, एकदम देसी भाषा में बता रहा हूं, एक वचन है ना, जब एक वचन होगा तो क्या हो जाएगा, डज होगा कि नहीं होगा, बस इतना समझो और आगे बताता हूं, फूड, योर एल्डर सिस्टर डज कुक फूड, इसका तो मतलब हो गया तुम्हारी छोटी बहन भोजन पकाती तो है, अब तू नहीं खाते हो तो हम क्या करें, इसका मतलब ये हो गया, जरा प्रयास करो, योर एल्डर सिस्टर डज नथिंग बट कुक, थोड़ी सी चूक और रह गई हरेंद्र जी आप में, चलिए समझिए ध्यान से, जब इस तरह की बातें हो, जरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं, बोला कि तुम्हारी बड़ी बहन भोजन ही तो पकाती है, इसका मतलब भोजन के सिवाय और कुछ नहीं पकाती है, ना वो चटनी पीसती है, ना वो पैर दबाती है, ना वो कुछ और नहीं करती, केवल और केवल खाना बनाती है, और दिन भर में थक जाती है, कहती मुझे नींद आ रहा है ना, जब अक्सर नई नई बहुएं अपने ससुराल जाती हैं बिचारी ना, तो घर की लाडली होती हैं, पापा की परी होती हैं बिचारी, और रियल में होती हैं, बस पुरुषों का ही कोई ठिकाना नहीं होता है, ना पापा के परा होते हैं,
ना मम्मी के कुछ होते हैं। बेचारे सुबह होती उनकी गाली से एक आधा घंटा लेट हो तो भी गाली, रात में आधा घंटा दे रहा हो तो भी गाली। मतलब ऊपर और नीचे आकाश पाताल हम पुरुषों का एक ही होता है। ठीक है, तो भैया कहने का मतलब ये बोल रहा है कि तुम्हारी बड़ी बहन केवल खाना ही तो पकाती है, भैया तू कैसे थक जाती है, इसका मतलब खाना के सिवा कुछ नहीं पकाती है। तो जब ये बातें कहना हो कि इस चीज के सिवा कुछ नहीं, उस चीज के सिवा कुछ नहीं, बताएगा नहीं, ये शब्द को पकड़ना पड़ेगा। तो लिखा जाता है उस समय सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, लिख लो, एकदम बता रहा हूं, कोई ऐसा नहीं कि बेवकूफ बना रहा हूं आपको, सारा उसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि यही मेरे ही सेंटेंस को नहीं, कुछ भी सेंटेंस को आप बना सकते हो। मैं बट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कह लो या अदर थिंग कह लो, इसको लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब इसी जो भी बताऊंगा इसके पीछे का रीजन बताऊंगा। अब हो जाएगा सब्जेक्ट इसमें कौन है, तुम्हारी बड़ी बहन, सब्जेक्ट तुम्हारी बड़ी बहन यानी यो एल्डर सिस्टर, योर एल्डर सिस्टर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट, डज करती है, मींस करती तो है, नथिंग कुछ नहीं, बट सिवाय, मतलब तुम्हारी बहन करती है कुछ नहीं सिवाय क्या, खाना पकाने के कोई जादू नहीं है इसमें, बस पोस्टमार्टम करो, चीर फाड़ करो, सब पता चल जाएगा। योर एल्डर सिस्टर डज नथिंग, तुम्हारी बहन कुछ नहीं करती है शिवाय, बट का मतलब किंतु नहीं, शिवाय कुक पकाने के क्या, फूड। देख लो भैया, योर एल्डर सिस्टर डज नथिंग बट कुक फूड, अब बच्चे कुकिंग फूड लगा देंगे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नथिंग बट के बाद में तो नहीं आएगा। ठीक है भैया, देखो योर एल्डर सिस्टर डज नथिंग, इसको याद रखना कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिस्टेंस का रहेगा और यहां तक जाओगे, और नथिंग बट के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो इन्फिनेटिव माना जाता है, बेयर इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव का मतलब था भी वन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सारा चीज रीजन बताऊंगा, इसको लिख लेना, इसको लिख लेना। अगर मैं इसी चीज को आगे बढ़ू या नहीं बढ़ू, जल्दी बताओ, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। जी प्रतिभा, योर एल्डर सिस्टर डज नथिंग बट कुक फूड, वेरी गुड। अगर इसी चीज को मैं बोल दूं, मैं स्कूल ही तो जाता हूं, मैं स्कूल ही तो जाता हूं, आई डू नथिंग बट गो टू स्कूल, आई डू नथिंग बट गो टू स्कूल, मैं रोज पढ़ता ही तो हूं, मैं रोज पढ़ता ही तो हूं, आई डू नथिंग बट स्टडी रेगुलर या डेली। ठीक है, मैं उससे बात ही तो करता हूं, मैं उससे बात ही तो करता हूं, आई डू नथिंग बट क्या, टॉक टू हर, टॉक टू हिम, टॉक टू देम, कुछ भी। क्लियर है मैटर? चलो भैया अब दिखाते हैं थोड़ी सी अलग सी दुनिया। आज ये तीन चीज याद रख के रहना, थोड़ा देखते हैं ट्रिक की बात कर लेते हैं भाई। कहाँ गया, अब ध्यान से समझना जरा, ये एक सेंटेंस है आपके पास, ठीक है, या एक सेंटेंस आप चाणक्य अकादमी गरीब विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का एक अच्छा संस्थान है। ठीक है, अभी तक तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर का नाम शुरू हुआ है। ठीक है, जरा एक बार सब लोग गलत या सही सब करके देखो, देखता हूं कितने सेकंड लेते हो, मिनट की तो बात ही नहीं करूंगा। क्या फ्री में चलता है भाई आदित्य? एकदम फ्री में चलता है, एकदम फ्री पढ़ो यार, मैं हूं ना, सब मुझे जानते हो इतने वर्षों से, तो कभी मैंने शिक्षा और विद्यार्थी में
कभी पैसे की दीवार बताई, कभी नहीं। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो मैं पढ़ाने के लिए आपसे ज्यादा लालायित रहता हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आपके लिए टीचर हूं, मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ इंग्लिश में, आई एम अ रिसर्च स्कॉलर, लेकिन अपने आप को विद्यार्थी मानता हूं, क्योंकि कभी साहित्य में कोई टीचर नहीं होता। जिस दिन अगर आपने आपको मास्टर समझ लिए, प्रोग्रेस खत्म मेरे भाई, जरा एक बार करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ। आज मजा आ रहा है, कम से कम बच्चे टिके हैं क्योंकि आज इंटरेस्ट आ रहा है उन्हें, उनकी ये कमजोरी है, हमारे पूरे पूर्वांचल की ये कमजोरी है, हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि मैथ अच्छा कर लेते हैं, जीएस अच्छा कर लेते हैं, जहां इंग्लिश की बात आती है ग्रामर भी चला लेते हैं, लेकिन वहीं पैसे आ जाता है तो गाना गाने लगते हैं, जुगाड़ में पड़ जाते हैं, कहीं से कोई बता दे तो वो सब समाप्त होगा। एक बार करके देख लो जरा, जल्दी करो, जस्ट टेक योर टाइम। जल्दी करो, और लोग भी करो भाई, डरना मत जी, बड़ा सिंपल है। अभी दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है ना, अभी इसका मैं पोस्टमार्टम करता हूँ, तुम्हारे सामने करूंगा, उसके बाद देखना कितना सिंपल सा हो जाएगा। और लोग बताओ, कम से कम 5 लोग आंसर दो यार, डरो नहीं, जब आपके सामने कोई बताने वाला हो ना तो गलती करने से डरना नहीं। जल्दी बताओ, कम से कम 5 लोग और बताओ, डरना मना है, जल्दी बताओ, हरी आप। चलो भाई अब बताता हूं, ध्यान से चीजें समझना। वाइट तो दिख ही रहा होगा, जरा बता देना। चलो भाई, हाँ, अब जब आपको बड़े बड़े सेंटेंस मिल जाए ना, विवेक ने भी प्रयास किया भाई, चलो बहुत अच्छा, अच्छा प्रयास हरिन जी ने भी किया और विवेक ने भी किया। जिनको नहीं समझ में आ रहा है एकदम परेशान मत हो, अभी आपको भी समझ में आ जाएगा, ये कोई जादू नहीं है, दिमाग का फेर है, समझ में आए तो घर में बैठे ताली बजा देना, ठीक है, या खुद से अपने आप से अंदर एक बार स्माइल कर देना, मजा आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझो, जब भी आपको ऐसा बड़ा सेंटेंस मिले ना, तो ट्रांसलेशन दो तरीके से किया जाता है, क्योंकि हम यूपी वाले बड़े तेज मिलाप करते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत हो जुगाड़ से मिलाप तो कर ही देते हैं। तो ट्रांसलेशन की जब बात आएगी, कुछ इधर से चलना मेरे भाई, कुछ इधर से चलना, और हम कुछ इधर से आते हैं, बस ये चीज समझ लो, यहीं पे हम मिल जाएंगे आपस में आके, और देखना चीजें कितने आसानी से समझ में आ जाएंगी। मैथ के स्टूडेंट हो, दिशा आप जानते हो, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं, लेकिन समझने में थोड़ा सा गजब गजब का लगेगा, घबराना मत। हमने बोला कुछ इधर से चलेंगे, कुछ इधर से चलेंगे, कुछ आएंगे बाएं से, कुछ जाएंगे दाएं से, और कहीं जाके एक चौराहे पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, बस ध्यान रखना वहां चेकिंग ना हो रही हो, ठीक है। अब देखो क्या चीज इधर से जाना है, क्या चीज उधर से जाना है। हम अंग्रेजी हिंदी का उल्टा मानते हैं ना, तो पहले उल्टा ही शुरू करते हैं, ध्यान से समझना। है, ठीक है, संस्थान, अच्छा, एक का, अभी का जरा ध्यान से समझना, एक अच्छा संस्थान है, अब का, का एक ऐसा वर्ड है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन, और लेकिन यहां प्रीपोजिशन मत समझना, इसे समझ लेना कनेक्टर, क्या समझोगे, कनेक्टर यानी अगुआ, दो चीजों को मिलाने वाला, ठीक है। ये किसके लिए आया है, ये का आया हुए अध्ययन के लिए, ठीक है, अध्ययन का संबंध किसी अगले से जोड़ेगा, बस ध्यान से समझते रहना कि है संस्थान, अच्छा, एक का, ये का किसके लिए आया है, अध्ययन के लिए आया है, के लिए विद्यार्थी गरीब अकादमी, ये देखो, यानी के लिए भी एक ऐसा है, ये भी एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा? कनेक्टर हो जाएगा, जोड़ने वाला हो जाएगा। ये क्या जोड़ेगा? गरीब विद्यार्थियों, है ना, ये क्या जोड़ देगा? गरीब विद्यार्थियों। यानी क्या चीजें हट गई जिसे आप कह सकते हो कनेक्टर? ध्यान से समझना, यहां तक चीजें समझ में आई? हेलो आलोक, चलो गुड इवनिंग आरके बीके, आओ यहाँ पे। मैंने बोला जब भी बड़ी चीजें आपको दिखे उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन होगा कैसे, तो उल्टा चलते हैं। है संस्थान, अच्छा एक का, ये का हमारा एक जोड़ने वाला है, अगुआ का काम कर रहा है। जैसे ही बस देखोगे अब नवंबर में शुरू होने वाले हैं लगन, बहुत सारे लोगों का शुभ मंगलम मंगलम मंगलम, ठीक है। तो ये का किसके लिए है? अध्ययन के लिए या आगे बढ़े के लिए? ये भी कनेक्टर है, ये भी गरीब विद्यार्थियों के लिए। अब ध्यान से समझना, ये जो हम इधर से जा रहे थे वो क्या होगा? क्या होगा? कनेक्टर्स इधर से चलेंगे, दाएं से बाएं कनेक्टर्स चलेंगे, और जो बचा खुचा है वो दाएं से बाएं, नहीं बाएं से दाएं, बचा क्या? अब ध्यान से देखो, चाणक्य अकादमी एक अच्छा संस्थान है, बस इतना बनाओ। जिसको नहीं समझ में आ रहा ध्यान से समझो, ये चला गया के लिए भी, गरीब विद्यार्थियों के लिए, ये इधर से बुक हो गया भैया, और ये का अध्ययन ये भी अलग से बुक हो गया। बचा क्या? एक बचा चाणक्य अकादमी बचा, दूसरा एक अच्छा संस्थान है। बोलो इतना तो कर ही सकते हो ना, जरा करके देख लो। हम लिखेंगे चाणक्य अकादमी है इज, चाणक्य एकेडमी इज एक गुड संस्थान को, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। अब हो गया यहां तक, हम इधर से आ गए हैं यहां तक, हम इधर से यहां तक आ चुके हैं। यहां तक आने पे मिला चाणक्य एकेडमी इज अ गुड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से समझा, अब आते हैं इधर से, का अध्ययन, का मतलब ऑफ हो गया, अध्ययन का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, तुम जरा बताओ। स्टडी यानी हम जोड़ते हैं क्या, ऑफ स्टडी। अब इसमें आगे बढ़ते जाओ, इसको मिलाप कर दो, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टडी, ठीक है, के फॉर, जिसे हम फॉर बोलते हैं, क्या क्या, गरीब यानी पुअर स्टूडेंट्स, अभी लिखूंगा घबराना नहीं, पुअर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ध्यान से समझो, फिर से इसको लिख रहा हूं, हमने बताया कि हम कुछ इधर से चलेंगे, यहीं पे जंक्शन हमारा होगा, कुछ इधर से आवेंगे, कुछ इधर से आवेंगे, इधर से क्या आएगा, इधर से जो आने वाला होगा वो होगा कनेक्टर, और जो बचा होगा वो सब्जेक्ट वाला, इधर से हम जाएंगे, ठीक है। तो देखो भैया जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, नहीं समझ में आया तो बताना। हमने बोला था है संस्थान ए अच्छा एक का, तो मैंने यहाँ का तुम्हें बताया हुआ था, ठीक है, का अध्ययन, ये क्या हो गया, कनेक्टर हो गया। के लिए ये भी हमारा कनेक्टर हो गया, दो कनेक्टर्स मिल गए, किसके लिए, गरीब विद्यार्थियों, ठीक है। अब अपने पास बचा क्या, जरा ध्यान से समझना, अपने पास बचा चाणक्य एकेडमी, एक अच्छा संस्थान है, तो इसको तो पूरी दुनिया बना सकती है, बच्चा बच्चा कक्षा तीन का बना सकता है। लिखेंगे क्या, लिखेंगे लिखेंगे चाणक्य ए, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक, चाणक्य एकेडमी इज अ गुड इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। अब इधर देखो बढ़ते हैं, का अध्ययन, का मतलब हम उल्टा बनाते हैं ना, ऑफ स्टडी, के लिए फॉर
poor student. For poor students, लिख लो सभी, समझ में आया कि नहीं है सही बताना. चाणक्य इज अ गुड गुड स्टूडेंट्स नहीं, गुड इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टडी फॉर पुअर स्टूडेंट्स. अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी विल मैनेज, डोंट वरी. जल्दी से इसे नोट डाउन करो, एक और करो आगे. जल्दी करो, ठीक है ना. चीजें समझ में आई कि नहीं आई? पहले हम कनेक्टर ढूंढेंगे, कनेक्टर को हम दाएं से बाएं की तरफ ले चलेंगे, और जो बचा रहेगा हम बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे मेरे भाई, मजा तभी आएगा. लेकिन अभी घबराना नहीं, एक और है, जरा करके दिखा दो. सबको क्लियर है कि नहीं? ये बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, आगे बढ़ू. इंस्टीट्यूशन होगा, इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशन भी बोल देंगे, डोंट वरी. चलो भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है, श्री राम हमारे देश की धरती पर एक महान अवतार थे. श्री राम हमारे देश की धरती पर एक महान अवतार थे. जरा जल्दी से करके दिखाओ, मजा आएगा. जस्ट टेक योर टाइम. चलो भैया किसी ने किया, जल्दी से बताओ किसी ने किया, जल्दी करके दिखाओ यार. डरना मना है मेरे भाई, डरो नहीं, ऐसे डरोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे. मैंने बोला ना एकदम डरना नहीं है, जरा करके दिखाओ. हरी आप जल्दी करो. बस एक बार जो बताएं उसको ध्यान से जो उसको करो. उसमें सबसे पहले, अरे सोनू क्या हाना किए जा रहे हो लोग, इधर आओ, जस्ट देखो इधर, इधर देखो, जस्ट लुक एट द व्हाइट नॉट व्हाइट येलो बोर्ड. ठीक है, जल्दी से आओ, इसे इधर करो, हमसे लड़ाई करो ना, इसमें मजा आएगा, जल्दी करो. श्री राम इज अ ग्रेट, वाह क्या गणित लगाया विवेक ने, ग्रेट के बाद अवतार नहीं समझ में आया, डॉट डॉट कर दिया कि सर जी भर लीजिएगा. काश एग्जाम में भी ऐसा मौका मिलता तो बड़ा मजा आता है ना, क्योंकि भैया मैं तो रास्ते पे सही जा रहा हूँ, बीच में गड्ढा आ गया तो क्या करें, बगल से निकल गया भाई. डोंट वरी विवेक, अच्छा एफर्ट है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होना. अवतार की इंग्लिश इनकॉर्नेशन, इनकॉर्नेशन लिख लो, INCARNATION, इनकॉर्नेशन, अवतार इनकॉर्नेशन. अभी बताओ सभी लोग, जल्दी बताओ. का भैया भुला गए का सब लोग, डर गए क्या? अभी तो केवल एक सेंटेंस है. आप ना आफ्टर 10 days यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट वन, यू कैन से मोर देन वन पैराग्राफ, एक से ज्यादा कर पाओगे. श्री राम इज अ ग्रेट इनकॉर्नेशन ऑन द लैंड ऑफ आवर कंट्री. और कोई भाई
और कोई प्रयास करो। अभी एकदम ट्रेलर चल रहा है, एकदम घबराओ नहीं, करते चलो। सबसे पहले आओ इसमें ढूंढते हैं क्या चीज की। देखो उल्टा चलते हैं भैया, पहले इधर से ही चल लेते हैं, चीजें पता कर लेते हैं इधर से, ठीक है। थे अवतार महान एक पर, जितने कहीं प्रेपोजिशन हिंदी में दिखे उसे कनेक्टर समझ लेना, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से समझना। थे अवतार महान एक धरती की एक्टर, ठीक है, काके की। अब इसके तो कुछ दिख नहीं रहा है, यानी दो चीज दिखे। अब दो चीज का यहीं पे बना लेते हैं, ध्यान से समझना। पर धरती, पर का मतलब देखो भैया ऑन, ये किसके लिए आया, धरती के लिए, ऑन द लैंड, एकदम आराम से समझना, ऑन द लैंड। उसके बाद की किसके लिए आया है, हमारे देश, हमारे देश का मतलब, सॉरी एक चीज गड़बड़ी हो गई, घबराना नहीं। देखो ऑन द लैंड, उसके बाद की का मतलब ऑफ, ये किसके लिए आया, हमारे देश, आवर नेशन कह सकते हो, आवर कंट्री कर सकते हो, आवर कंट्री, यानी यहां से हो गया कि ऑन द लैंड ऑफ आवर कंट्री। इतना तो क्लियर हो गया, ऑन द लैंड ऑफ आवर कंट्री। तो भैया आप जरा ध्यान से समझ रहे, बचा क्या हमारा, बचा श्री राम जी बचे, ठीक है, श्री राम बचे, बचा एक महान अवतार थे, क्या बचा, श्री राम जी, यानी श्री राम एक महान अवतार थे। इसका तो सब बता देगा क्या हो जाएगा, श्री राम, ठीक है, श्री राम वॉज अ ग्रेट इनकॉर्नेशन, इनकॉर्नेशन, फिर इसको कहां से जोड़ देंगे ले आके इधर, यानी हो जाएगा ये इधर से चलेगा ना, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं। स्टैम वॉज अ ग्रेट इनकॉर्नेशन ऑन द लैंड ऑफ आवर कंट्री, श्री राम वॉज अ ग्रेट इनकॉर्नेशन ऑन द लैंड ऑफ आवर कंट्री। मैटर समझ में आया, डिड यू गॉट इट, डिड यू गेट इट और नॉट, डिड यू गेट इट, समझ में आया सभी को, कोई, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन राजन, अगर सही है तो। देखो सही सभी का, हरेंद्र जी का भी सही है, कई लोगों का सही है, ऐसी बात नहीं है, मैं उन लोगों के लिए पे पोस्टमार्टम कर रहा हूं जिनको नहीं समझ में आएगा, घबराना बस मत, मेरे साथ बने रहना यार, मैं वादा करता हूं कि इस बार एसएससी की ऐसी की तैसी कोई भी पैसेज दे दे, बस चीजों को समझ लो, कसम बता रहा हूं। 5 क्वेश्चन अगर आए तो कम से कम 4 तो कहीं नहीं गए, 10 आए तो 8 कहीं नहीं गए, इट्स माय चैलेंज, लेकिन बस ये चीजें समझ लो। उसके बाद इन सबका प्रयोग में ना, अभी आपको न्यूज़पेपर के जो आज कल परसों में आएंगे, ठीक है, उसके एक पैराग्राफ को उठा के यहाँ रखूंगा और करेंगे उसका पोस्टमार्टम और करेंगे उसका अंग्रेजी, उसके बाद समझ में आएगा तुम्हें कि वाकई जो हम पढ़ रहे हैं उसकी कोई वैल्यू है भी कि नहीं। बात समझ में आई, ये सबको समझ में आ गया, किसी कोई डाउट यहाँ पे भाई। सुमित मैं 5:15 पे मिलता हूं, ठीक है, शाम को, हाँ भाई, चलो भाई तब आज यहीं पे इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, घबराना मत, लगे रहना, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। अगला जो हमारा ग्रामर का चैप्टर होगा वो होगा नरेशन, तो मंडे से तैयार हो जाना नरेशन के लिए, फिर से तीसरी बार हम पढ़ेंगे टेंस, क्योंकि वो टेंस यहां भी काम आएगा, आपके नरेशन में भी काम आएगा, तो भैया कमर कस लो, ओके, तब तक के लिए सबको अलविदा तो नहीं कहूंगा, थैंक यू कि आप लोग बने रहे, मजा आया आज मुझे भी और आपको तो आया ही होगा, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।